जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अक्षरा कहाँ खोई हुई है? हुआ क्या है? कुछ नहीं, चल सब तेरी राह देख रहे हैं। तेरी मूरत कहाँ है? क्या हुआ अक्षरा? मुझे छोड़ के चले क्यों? मुझे कोई नहीं ले गया अपने साथ। मम्मी माँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। चुप हो जा अक्षरा, चुप हो जा, अब एकदम चुप हो जा। आ इधर बैठे। अब मुझे पूरी बात बता। परसों विनी दी और मोहित, माँ आपने भाभी को क्यों नहीं बुलाया? बेचारी कितनी उम्मीद से हमारी ओर देख रही थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तेरे दादा ने हम सबको साफ मना किया है ना कि कोई अक्षरा को घर नहीं लाएगा। फिर मैंने सोचा तो था भाभी माँ कि बहू को घर ले चलते हैं, फिर सोचा कि अगर मुन्ना को बिना बताए ऐसा किया तो वो तो बवाल खड़ा कर देगा। वैसे देखा जाए तो कायदे से मुन्ना को ही उसे समझा बुझा कर घर ले आना चाहिए। दोनों आपस में बात करें तभी ठीक रहेगा। हम बहू को ऐसे ही घर नहीं ला सकते हैं। आप लोग मेरे किए की सजा अक्षरा को क्यों दे रहे हैं? गलती आपकी बेटी से हुई है और भुगत रही है बहू, ये कहाँ का इंसाफ है? तू चुप रहे। क्या सही है क्या गलत है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुझे हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चुप रह जाती हूँ, लेकिन छोटी माँ आप तो नैतिक का गुस्सा जानती है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज नैतिक की बात मत मानिए, अक्षरा को घर वापस ले आइए, कहीं हमसे बहुत बड़ी भूल ना हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। नैतिक को समझा समझा कर हार गई। हम शायद वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। माँ के पास गई थी तो वो सो चुकी थी, सारे घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे, पर शायद मैं फिर भी नहीं आती। लेकिन जब नैतिक ने खुद मुझे जाने के लिए कह दिया तो मेरा दिल टूट गया। ऐसा कैसे कह सकते हैं वर्षा, क्या मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ? मेरा प्यार उनके लिए कुछ भी नहीं है। बस कह दिया जाओ, उन्हें देखती रह गई।
था, फिर मैंने वही किया जो वो चाहते थे, चली आई, अपना घर छोड़कर चली आई वर्षा। अक्षय आप देख, अक्षय आप जो भी हुआ सो हुआ, शायद तुम दोनों ही नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन तूने यहाँ किसी को क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात और घर में किसी को पता तक नहीं है। कैसे कहती माँ, इतनी बड़ी बात कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है, छोटी छोटी बातों पे कितना परेशान हो जाती है वो, ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और दादी, दादी की तबीयत तो और खराब हो जाएगी, सबको कितना दुख होगा, कितने परेशान हो जाएंगे सब, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, चुप रही। और बताओ कि तो कैसे बताओ? दीक्षा, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप को संभाल, हम नैतिक जी से बात करेंगे। अक्षरा, वर्षा, तुम लड़कियां भी ना यहाँ बातें करने बैठ गई? अब चलो भी, पूजा का समय निकल जाएगा, जल्दी चलो। हाँ चल। अक्षरा, तेरी मूरत कहाँ है? वो माँ, भाभी माँ, नन्ही दीदी रश्मि माँ, सब लोग मुझे यही मिल गए, तो मैंने उन्हीं के साथ पूजा कर ली। अच्छा, हमें क्यों नहीं बुलाया, साथ में ही विसर्जन कर लेते। हाँ और क्या, वो बहुत जल्दी में थे इसीलिए। अच्छा अच्छा, चल बेटा, ये बहुत अच्छा हुआ तूने उनके साथ पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया, भाग्यशाली है तू, इसे गौरी शंकर की विशेष कृपा समझ। दीदी अब जल्दी चलिए, हमारी बहू की तो पूजा होनी है। हाँ हाँ, चल आ जा। बात तो सही है, पर वहाँ जेके, आज त्योहार के रोज थारे घर में कुछ मीठा ना बना? नहीं। जा गरम गरम हलवा बना के ला मारे वास्ते। शंकरी, जय मां जगदम्बा, राधे कृष्ण। बोला आया आ गए तुम लोग पूजा से, आई कब से बैठी थारी राह देख रही हूँ, अब तो तीज त्योहार में मिलना हो गए सबसे। हाँ, मैंने तुझसे बड़े बड़े वादे किए थे शंकरी, लेकिन भाभी माँ काहे मन दुखाती हो? अरे मन ने थारी व्यथा पता ना है कि लड़के वालों को खूब अच्छे से समझा के आई हूँ, आज बड़े सभ्य लोग हैं, समझ गए। रश्मि बेटा, जा थाली अंदर रखते। शंकरीताई, क्या कहा आपने उन्हें? आज छोटी दुल्हन, शंकरी की जबान कैंची की तरह चलती जरूर है, पर किसी छोरी के घर की बात यहाँ से वहां ना करे वो। हाँ, आए अपने भी काम के कुछ उसूल हैं। ना दिख रही कहाँ है वो? बहू मायके गई है। आज के दिन शादी के बाद पहला घनघोर तो ससुराल में ही मनाया जावे है ना? क्या कहे, उस दिन लड़के वालों के जाने के बाद तूने तो देखा ही क्या हुआ था, बस अक्षरा उसके बाद ही
अचानक से मायके चली गई। किसी से बताए बिना रात को ही चली गई। ना ना ना, अक्सर ऐसी ना है। छोरी को मैंने बचपन से देखा है, ऐसे तेवर दिखाने वाली तो वो है ना, जरूर कोई बात हुई होगी। हाँ, नैतिक और अक्षरा के बीच थोड़ी कहा सुनी हो गई थी शायद। पर शंकरी ताई, कोई घर छोड़ता है क्या, और वो भी अपने पति को बिना बताए? जब से गई है समझियो के यहां से किसी ने एक फोन तक नहीं किया है। जाने क्या समझ बैठे, कम से कम एक फोन करके हमें पूछ तो लिया होता कि हुआ क्या है। यूं लड़की घर जाकर बैठ जाए, क्या ये ठीक बात है? ना भाभी माँ, वो लोग ऐसे ना है। सेठानी को तो रीत रिवाज का बड़ा ख्याल है, और थारे समधी भी छोरी को यूं घर ना बिठाएंगे। वो लोग तारे लोगों से बात करने जरूर आते। हुआ कि हेलो, हाय नैतिक, कैसा है तू? बता, बड़े दिनों बाद याद किया। आज मेरे घर पे पार्टी है। पार्टी पर किस खुशी में? अरे मेरी एंगेजमेंट हो गई है, इसलिए एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। सब दोस्त आने वाले हैं, तुझे भी आना है। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। फोन पर मुबारकबाद कबूल नहीं करूंगा, पार्टी में तो तुझे आना ही है। लेकिन आज आना पॉसिबल नहीं होगा। मैं ना नहीं सुनूंगा, तुझे आज आना ही है। आज मेरी लास्ट बैचलर पार्टी है। आज नहीं। क्या नहीं, दोस्त तो तू सिर्फ मोहित को समझता है ना। अगर उसकी सगाई होती ना तो तू भाग कर चला जाता और सारे इंतजाम तू ही करता। लेकिन मेरी एंगेजमेंट पार्टी पे आने के लिए तो तुझे टाइम ही नहीं है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके ओके, ग्रेट। बाल गोपाल की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। छोटी, अब हम व्रत के खाने की तैयारी करें। जी बीबी। माँ, गोपी धनिया से कहके मेज साफ करवा दे। जी बीबी। करवा। अक्षरा, अक्षरा आज रात को माँ को सब बता दे। ये छुपाने वाली बात नहीं है, तो डर मत। सब परेशान होंगे, लेकिन वो अपनी समझ बूझ से तेरे ससुराल में बात करेंगे, नैतिक जी को समझाएंगे। पता नहीं नैतिक मुझे वहां याद भी करते हैं या नहीं। उन्होंने मुझे एक फोन तक नहीं किया। वर्ष क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या पता। तूने ही तो मुझे कहा था ना कि प्यार में बहुत ताकत होती है। जैसे तेरी शौर्य दादू ने अपनी गलती मानकर मुझे सॉरी कहा था, वैसे ही नैतिक जी को भी अपनी गलती का पछतावा होगा। और देखना, वो आएंगे, तुझे लेने जरूर आएंगे। पता नहीं वर्षा, पर मुझे बार बार एक ही चीज खाई जा रही है। जब माँ बाबू जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो कितना परेशान हो जाएंगे ना।
मुझे याद है जब काका काकी के बीच में तनाव चल रहा था तो दादी बाऊजी सब लोग कितने परेशान हो गए थे, और जब उन्हें मेरे बारे में पता चला अक्षरा कुछ नहीं होगा। देख तू बेकार में इतना ज्यादा परेशान हो रही है, देखना इससे पहले कि किसी को पता चले नैतिक जी तुझे लेने जरूर आएंगे। लड़कियों व्रत खोलने का समय हो गया है, आजा। बहू नहीं आई, बहू कहाँ है? जी मुन्ना ने उसे लेवाने से मना कर दिया। सवेरे तय हुआ था ना मुन्ना जावेगा लेवाने बहू को, फिर क्या हुआ? वो जिद पकड़ के बैठा है, बहू खुद चली गई थी तो वो खुद आएगी। हमने कितना समझाया अभी, ये तो अच्छी बात है बहू तालाब के पास पूजा के समय हमें मिली, वरना कितनी बातें होती। बहू ने पूजा भी हमारे साथ की लेकिन हम उसे घर नहीं ला सके, मुन्ना ने मना जो किया था। ये बच्चे भी ना, अहंकार है अहंकार, बाकी कुछ नहीं। दादाजी मुझे तो डर है ये बात कहीं और बिगड़ ना जाए। दादाजी हमें नैतिक के साथ बात करनी चाहिए। मुन्ना है कठे? जी उसका दोस्त है ना आशीष, उसके घर में सगाई की पार्टी है, मुन्ना वहीं गया है। उन्हें घर छोड़ के अच्छा ना किया, आज तक हमारे घर में ऐसा ना हुआ। घर की बहू मायके में है, ये बात हमारे खानदान के वास्ते बिल्कुल अच्छी ना है। लोग अभी से बात कर रहे हैं, आगे और करेंगे। वो हुआ तमाशा, मैं कहूं इस मामले ने सुलझाने की कोशिश करो, सुलझाने की ना, इसी वास्ते बहू को जल्दी से जल्दी लेके आओ। की बात घर में निपट जानी चाहिए। इसलिए कहते हैं शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। सही कह रहा है यार। ड्यूड आशीष को अभी से आइडिया दे दे। इसने सिर्फ अभी सगाई करी है, अभी काफी टाइम है इसके पास सोचने का। गाइस 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 क्या हमारे बीच एक तू ही है जिसने शादी करने की हिम्मत दिखाई है? बॉस बिल्कुल, ये जब से है इसका चेहरा थोड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है, लगता है भाभी के साथ झगड़ा करके आया है। भाभी को बहुत मिस कर रहा है क्या? क्या फिर ये डर है कि घर पर जाकर भाभी से डांट पड़ने वाली है? वो ऐसी कोई बात नहीं है। अबे रहने दे रहने दे। अरे हम जानते हैं यार भाभी को ये पार्टीज वार्टीज कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। दोस्तों वो याद नहीं है लास्ट टाइम जब इसके घर हम बिना बताए पहुंच गए थे? बाप रे। पता नहीं अब इनके पक्के दोस्त मोहित को भाभी आने देती है या नहीं। ये देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर।
क्या भाई ओए स्मार्टी भाई मुबारक हो आशीष। थैंक यू भाई, आफ्टर ऑल इसने सही काम कर ही डाला। क्या बात है मोहित, आज दोनों दोस्त अकेले अकेले आ रहे हो? दोनों दोस्त कौन कौन? तेरा बेस्ट फ्रेंड नैतिक। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।